एट क्लास में थी, मेरी परसेंटेज बहुत अच्छी थी, पर ना मुझे ये स्कूल ना बेटर नहीं लगा था तब। तो मैं 13 सेक्टर में गई थी अपना एडमिशन करवाने। तो उस गार्ड ने मेरे से बोला, तुम कहाँ से आए हो? तो मैंने बोला, सावर डेरी स्कूल से आई, मेरे को यहाँ एडमिशन करवाना है। तो उस गार्ड ने वहीं पे मेरे को मतलब बोला कि यहाँ से चले जाओ, इस स्कूल में एडमिशन तुम्हारा नहीं होगा, सावर डेरी सबसे बेकार है। पर आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो वाले बच्चे इस स्कूल में आएंगे एडमिशन करवाने, क्योंकि ये स्कूल बहुत शानदार। बेटा, ये कॉन्फिडेंस अगर मेरे बच्चों में आ गया तो ये देश सारी दुनिया के नई जनरेशन को चैलेंज देने के लिए बन जाएगा। डेरी वालों को समझते थे केवल लड़ाई झगड़े या फिर झुग्गियों वाले, इसलिए यहाँ पे अच्छा स्कूल भी नहीं था, ऐसे छोटा स्कूल था। अब यहाँ पे इतनी अच्छी बिल्डिंग बन गई है कि हाँ, हम भी आप कुछ कर सकते, हम भी पढ़ सकते, हमारे टीचर्स इतने अच्छे हैं। यहाँ पर ये सब कहते थे ये सबसे गंदा स्कूल है। जिस एरिया में हम रहते थे, अगर हम कहीं पहलादपुर बवाना या अन्य क्षेत्र में जाते थे, तो वहाँ ये सब कहते थे ये तो यहाँ पढ़ते, इनका कुछ नहीं हो सकता। और जबकि हमारे प्रतिशत अच्छे आते थे ना, जो हमारे रिश्तेदार, जो हमारे रिलेटिव अन्य थे, वो हमें ये कहते थे ये तो डेरी में पढ़ते, डेरी झुग्गियों में रहते, ऐसे करते वैसे। लेकिन आज हम ये गर्व से कह सकते हैं हम डेरी वाले, लेकिन हम बाकी एरिया से बाकी सबसे बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और जो हमारे टीचर्स हैं वो सबसे ज्यादा अच्छी हैं। यहाँ पर कम टाइम में जितना हमें सिखाती हैं, उनसे ज्यादा हमारे टीचर्स ने हमारी हेल्प की। हमारे पेरेंट्स के पास टाइम नहीं था, हमारे टीचर ने हमें यहाँ पर बताया है। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? मंजू। 12। 12वीं। और आप कब से पढ़ रहे हो यहाँ? यहाँ पर 6 क्लास से हम पढ़े। 7 साल आप पढ़े हो, आपको तो थोड़ा समय ही इस स्कूल में मिलेगा, लेकिन आपके छोटे भाई बहन जितने भी शाहबाद डेरी में हैं, वो गर्व से कह सकते हैं शाहबाद डेरी जिंदाबाद। सर, आई एम द एलुमनी ऑफ द स्कूल। और सर, मैं आज रेगुलर कॉलेज रामजस कॉलेज से कर रही हूँ। सर, वहाँ पे क्या था, बहुत बच्चे आते हैं वो केवी से थे या तो प्राइवेट स्कूल से थे। मेरे को बड़ा एम्बेरेस फील होता था कि मैं बोलूँ मैं राजकीय स्कूल से हूँ। बट आज मैं प्राउडली कहती हूँ, ना ही सिर्फ बिल्डिंग की वजह से बल्कि एजुकेशन सिस्टम की वजह से, जो हमारे स्कूल में भी लागू हुआ, और आज हम भी रामजस जैसे कॉलेज में पहुंच पा रहे हैं, उनके साथ कॉम्पीट कर पा रहे हैं। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया।